जिनकी नीयत में गद्दारी हो वो कभी अपने घर वालों के भी सगे नहीं होते। उन दोनों ने ये बात आज साबित कर दी। इसका मतलब रिश का पत्ता साफ, प्रीति उसे ही मारने गई थी ना। अरे मुझे क्रिश की लाश लेकर आना चाहिए था। अरे कम से कम इन लोगों को दिखा देते। जैसे राधिका ने डायनी को मार डाला, कहीं वो प्रीति को भी ना मार डाले। इस समय सही तो यही होगा कि मैं यहाँ क्रिश बनकर खड़ा रहूं। कम से कम खुद को जेल जाने से तो बचा लूंगा। माँ, मैं आ गया हूँ ना, अब आप परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धोखेबाज, कमीने, अपना ये नाटक बंद कर। मैं जानता हूं कि तू ही करण है। अब तेरा ये खेल खत्म। खेल तो तेरा खत्म। मैं रुपये, मैं ही तेरा क्रिश हूं, तेरा बेटा नहीं। मां क्रिश मैम, वो तो करण है। एक मां अपने बच्चे की सारी निशानियों को बखूबी पहचानती है। अभी पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से असली क्रिश कौन है। क्रिश के दाएं कंधे पर एक तिल है। हाँ माँ, वो तिल मेरे कंधे पर है। देखिए माँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुमसे बचने के लिए मैं तुम्हें इस मंदिर में लेकर आई हूं, बल्कि मैं तुम्हारी काली शक्तियों का विनाश करना चाहती हूं और इसीलिए तुम इस वक्त इस मंदिर में हो। जय माता दी। इस संसार में बुरी शक्तियां चाले चल तो सकती है, लेकिन आपके रहते कभी नहीं जीत सकती। आज आपने इस बुरी ताकत को हम सबसे दूर कर दिया। कैसे आए? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा मेरे पास है। कृष, राधिका कहाँ है? माँ, मुझे आप लेकर आई है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?